हेलो को नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत दिनों से मेरे जो सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट है वो आ रहे थे कि भाई मैं कितना भी अपने साइकिल के डिस्क ब्रेक को टाइट करूँ वो टाइट हो ही नहीं रहे। तो आज मैं इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। आज मैं आपको ऐसा एक तीन ट्रिक्स बताऊँगा जो आप घर में ही आप अपने जो डिस्क ब्रेक से वो टाइट कैसे टाइट कर सकते हो। तो मैं आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे बिंदास आप लोग कमेंट करके पूछो, मैं उसको मैं आंसर दे देता हूँ ऐसे ही। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं, चलो। तो एक्चुअली मेरे जो पीछे का डिस्क ब्रेक है वो भी लूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लूज़ है। तो जैसे कि व्हील घूम रहा है और मैं यहाँ पकड़ने की कोशिश करूँगा ब्रेक को, जैसे कि देख सकते हो ये रुक ही नहीं रहा है ना। तो मैं आज इसी के ऊपर मैं जो वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने डिस्क ब्रेक को टाइट कर सकते हो घर में। तो चलो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेना है एक एलन की, 5 mm का एलन की है। देखो ये जो दिख रहा है एलन की, 5 mm का एलन की है। आप इसी के मदद से आप जो अपना जो डिस्क ब्रेक है साइकिल का वो आप ठीक कर सकते हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेक्स को टाइट करने के चक्कर में ना इसको घुमाने लग जाते हैं, इसको टाइट या लूज़ करने लग जाते हैं। इसका उनका जो लगता है कि भाई डिस्क ब्रेक हमारा टाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेक टाइट हो गया लूज़। आपको जो सबसे मेन चेक करना है वो है ये वाला जो आपको जो ये जो पार्ट दिख रहा है, पूरा जो पूरा पार्ट है आपको इसको चेक करना है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एलन की का जो की है, स्क्रू है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। थोड़ा साइकिल थोड़ा गंदा हो गया, इसको इग्नोर करो। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट है, आपको इसको एलन की से घुमाकर आपको ब्रेक्स को टाइट करने का है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने एलन की लगाया था। तो हाँ, जैसे कि आपको यहाँ एलन की लगा कर आपको चेक करना है कि हमारा जो ये है लूज़ है या मौत। देख सकते हो बहुत ही लूज़ है। आपको इसको थोड़ा लूज़ करके आपको क्या करना है, जो इसका जो वायर है नीचे आप इसको खींच कर आपको जो थंब है यहाँ पे आपको ऊपर लिफ्ट करना है इसको, ठीक है। जैसे ही आपको फील हुआ कि जो वो जो पैड्स हैं यहाँ पे जो जो सैंड पैड्स हैं, अगर आप ब्रेक्स को टच हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको मतलब नीचे छोड़ सकते हो। छोड़ कर आपको क्या करना है, एलन की से आपको स्क्रू को टाइट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको इसी तरह से फॉलो कर कर आपको अपने डिस्क ब्रेक्स को टाइट कर लेना है। तो जैसे कि आपको लगे कि टाइट हो गया, आपको करना है काउंटर टाइट। काउंटर टाइट मतलब टाइट हो गया ऑलमोस्ट, मतलब आपको थोड़ा सा और थोड़ा आपको घुमा लेना है ऊपर। मतलब इसका मतलब है टाइट से थोड़ा और थोड़ा टाइट हो गया है ये। आपको बस इसी तरह से आपको अपने डिस्क ब्रेक जो है आपको टाइट कर लेना है। मैं देखो जैसे कि दिखाता हूँ आपको अभी थोड़ी देर के बाद। तो हाँ, व्हील भी फ्रीली घूम रहा है, मतलब जो हमारा ब्रेक्स है वो भी टाइट हो चुका है। ओ मैन शिट। हाँ, अगर वो टाइट करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये अभी हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो पूरा टाइट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहे हो ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहा है ये वाला जो मैं टैप कर रहा हूँ, आपको इसको ना थोड़ा टाइट या लूज़ आपके अपने अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको साइकिल को थोड़ा घुमा के आपको देखना है। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लूज़ कर लेता हूँ, कि मैंने इसको ऑलरेडी बहुत टाइट कर लिया, ये वाला जो पार्ट है मैंने टाइट कर लिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा लूज़ रखता हूँ ताकि मेरा फ्री जो व्हील है वो भी फ्रीली घूम सके और ब्रेक्स भी एकदम परफेक्टली काम करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसा काम कर रहा है मेरा डिस्क ब्रेक। तो मैंने व्हील को जो ऑलमोस्ट घुमा लिया है बहुत स्पीड से, और मैंने यहाँ पे ब्रेक्स को भी मैंने चेक करूँगा अभी। 2, 3, 2, 1 देखा, तो ऑलमोस्ट परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हो टायर तो घूम रहा है, मतलब परफेक्टली टाइट हो चुका है डिस्क ब्रेक। आप इसी तरह से आप हर एक साइकिल, कौन सा भी साइकिल हो, आप अपने घर में ही जो है टाइट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इसके मदद से, एलन की के मदद से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको ऐसा वीडियो हर वीक में आपको मैं लाता रहूँगा। तो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।